श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी आप जी दे हजूर अरदास बेनती है बटाले दियां समूह संगतां वल्लों जो पंजाब सरकार दे कोलों बटाले नूं जिला बढ़ाउण दी मंग रखी गई है। सतगुरु जी धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी, धन धन माता सुलखणी जी आप जीआं दे विआह पुरब दे जो समागम चल रहे हन, विआह पुरबां नूं मुख रखदे होए सारियां ही बटाला निवासियां संगतां दी अरदास बेनती है कि बटाले नूं जिला बनाउण दा पंजाब सरकार नूं बल बख्शो, कृपा करो। सतगुरु जी संगतां दीआं जो भी अरदासां बेनतियां हन आप जी ने कृपा करनियां, अरदासां बेनतियां प्रवान करनियां। बोले सो निहाल सच्चे पातशाह दत्ते सी अरदास कीतिया जाके ये सानू भी पूरा यकीन है कि साड़ी अरदास शहर वासियों की यह व्यर्थ नहीं जाएगी। हम कल जेकर जिला बनता है एक क्रेडिट कि झोली चलेगा अकाली दल की कांग्रेस सारी की सारी जी ना कांग्रेस पार्टी की पासे के पाले के सुट दी है। बेनती है कि पाले च नहीं छुट्टी बड़ी वड्डी गल हुंदी है जी अरदास करना, ये राजनीति के अरदास आनी चाहिए सी। की राजनीति च गुरु साहब आने जरूरी सी। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। असी इस वेले गुरुद्वारा कंध साहिब बटाला की हदूद दे विच खड़े हैं। इस वेले दर्शन कर पा रहे हो तुसी गुरुद्वारा श्री कंध साहिब गुरु नानक देव जी के विआह पुरब नूं लैके समर्पित तैयारियां तुसी देख पा रहे हो कि गुरुद्वारा साहिब के विच बाकमाल ने। और इस बार बटाला दे विच कुछ इतिहासिक होण भी जा रहे हैं। इस बाबे दे विआह नूं यादगार बनाउण वास्ते कैप्टन अमरिंदर सिंह जी वालों और पंजाब सरकार वालों बहुत खास उपराले किए जा रहे हैं। उन्हां उपरालिया नूं फल लग जाए और वह उपराले सफल हो जाए उन्हां दे लई अज अरदास की गई है गुरुद्वारा कंध साहिब के विखे। ये अरदास जिन्हां वालों की गई है वो ने भाई हरिंदर सिंह जी। अज अरदास दा इत्थे करन दा की कारण और इहो जिहा किहड़ा कारज है जिहदी अरदास हो रही? बिरथा ना जाए जन की अरदास। कहिंदे ने कि बाणी 'च लिखिआ कि जदों साध संगत इकट्ठी हो के कोई मनो अरदास करदे आ और कदी भी बिरथ नहीं जांदी, वह परमात्मा उस अरदास हमेशा कबूलदा। और साडी जिहड़ी बड़े चिर दी मंग आ एडवोकेट माणा जी ने सन 95 दे विच इहदे कोकड़ताल भी रखी सी, उस तों बाद वख वख समाजिक जथेबंदियां, धार्मिक जथेबंदियां, राजनीतिक जथेबंदियां वालों भी बटाले नूं जिला बनाउण वास्ते समय समय से मंग उठाई जाती रही। पर उन्हूं मैं समझदा कि समय उस समय दी सरकारां ने कोई इस संजीदगी नाल इस पासे कोई ध्यान नहीं दिता। हुण कुछ आके सानूं आस बझी है कि साडी इस मंग नूं बूर पैना शुरू हो गया ते असीं अज इस वास्ते अरदास कराई है कि बूर जिहड़ा फल दे रूप च हुण सानूं प्राप्त होवे। गुरु नानक देव जी दे जिहड़ा विआह पुरब हुण आ रहा 11 तरीक नूं, सानूं आस है कि अरदास साडी व्यर्थ नहीं जाएगी और पंजाब सरकार जरूर साडे बटाले दे लोकां दी बटाले दी संगत दी अरदास सुन के और ये सानू जिले की जी है कि माण बख्शनगे कैप्टन अमरिंदर सिंह जी जी साड़ी सरकार है कि भी साड़ी जो मंग सी चिरां तो लटकती आ रही वो साड़ी जरूर पूरी होगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ते प्रताप सिंह बाजवा की जोड़ी वालों जी है मंग जो बड़ी देर की सी सारियां दी कि बटाला नूं जिला बनाया जाए। सो प्रताप सिंह बाजवा जिहड़े ने उह ते काफ़ी लंबे समय तो कह रहे हैं कि उन्होंने मंग जिहड़ी रख दित्ती, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ते मोहर लगा दित्ती। उन्होंने तो कहा कि हाँ इहदी चर्चा तो हो रही है, जदों दीआं कंसोवां बाहर आईआं ने हर कोई इहदी क्रैडिट जिहड़ा आपणे लैणा जा रहा। क्रैडिट वार दा दौर शुरू हो गया जिहदे करके असीं कहीए तां हुण अरदासां दा दौर भी शुरू हो चुका है, या हर कोई आपो अपनी प्रैस कॉन्फ्रेंस करके ये कहना दस रहा जां जनता नूं जता रहा कि इह साडी मंग सी बड़ी पुरानी जिहड़ी कैप्टन साहब पूरी करन जा रहे। देखो अरदासां दा दौर तो जिहड़ा जी असी हुण शुरू कीता और कोई क्रैडिट वार वाली गल मैं नहीं समझदा कि कोई भी लीडर इस च पिया क्रैडिट वाली गल दे विच, क्योंकि एक शहर की
एक बड़ी पुरानी मंग और साढ़े बटाले दे आर्थिक पक्षों तरक्की दे वास्ते बहुत जरूरी है कि जिहड़ा साडा बटाला इस वेले इंडस्ट्रियल दे तौर उत्ते पछड़ चुका है, साढ़े लोगों के कारोबार बंद हो चुके हैं, क्योंकि असी जो हरिमंदर साहब अमृतसर वाल देखते हैं जदों दा सरकार ने उत्थे गलियारा बना के हरिमंदर साहब ने एक खूबसूरती जिहड़ी है प्रदान की है और उत्थों दे लोगों नूं दुकानदारां नूं उठा के मैं तुहाडी गल नाल सहमत हां, पर वैसे सिंपल जी गल है, एक क्रेडिट वार दा दौर शुरू हो गया कि ये जिहड़ा जिला बनाउण दी गलबात है ना जी, आ देखो साढ़े करके हुई है, पर इत्थे इक नाल गल होर भी है, अरदास हो चुकी है जब बाई दी वे अरदास करन दे बाद जे ते कैप्टन अमरिंदर सिंह जिहड़े ने उन्हां ने कर दिता भी हाँ भाई बटाला जिला बन जाएगा, फिर तो हो गई भी वेखो जी अं अरदास की सी, जेकर ये कंसोवां ही रह गई हैं, जेकर ये दावा सच ना होया फिर देखो इस गल दे उत्ते ते मैं तुहानूं इहो कहवा कि साडियां ये जिहड़ियां कोशिशां ने जारी रहणगियां, चाहे ये कबूल साड़ी मंग होवे जां ना होवे, पर जिहड़ी सच्चे पातशाह दर ते असीं अरदास कीती आ जाके ये सानू ये पूरा यकीन आ कि साड़ी अरदास शहर वासियों की ये व्यर्थ नहीं जाएगी। पाल सिंह पाठिया मैनेजर गुरद्वारा कंध साहिब, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। इस अरदास के मायने की ने, जे तो कैप्टन अमरिंदर सिंह होना ने मंग मान ली तो फिर तो अरदास की जिहड़ी उपमा भी हो गई तो मान सत्कार भी बहाल हो गया, लेकिन जेकर अरदास तो हो गई कैप्टन अमरिंदर सिंह होना उन्हें अजे गल पोस्टपोन कर दिता जां अगे पै गया फिर समुचियां संगतां ने पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को एक मंग रखी है कि बटाला शहर एक पावन पवित्र शहर है, इस पावन पवित्र स्थान पर अज तो 534 साल लगभग पहला साहिब श्री गुरु नानक देव जी माता सुलखनी जी नाल गृहस्थ जीवन वास्ते विहण वास्ते शहर विखे आए सन, उन्हां दे इस पावन पवित्र चरण छोह प्राप्त धरती नूं जिला बनाउण दी मंग रखी गई है। अज समुचियां संगतां गुरद्वारा श्री कंध साहिब विखे नतमस्तक होईयां ने, ते नतमस्तक होने उपरंत उन्हां धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अगे जोधरी बेनती अरदास कीती कि वो कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री पंजाब नूं बल बख्शन कि वह साहिब श्री गुरु नानक देव जी दे विआह पुर मौके इस बटाले दे पवित्र शहर नूं जिला लानण। जी 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 पटिया साहब, बेशक तुसीं गुरद्वारा कंध साहिब दे मैनेजर हो, इत्थों दे दास हो, सेवादार हो, पर इहदे नाल नाल कितना कितने झलक जिहड़ी है ये भी पैंदी है, जदों हुण अरदास हो रही है वेख्या ते जाणा कि बने लोग जिहड़े अरदास करन वाली संगत है उहनां दे चेहरे जिहड़े कांग्रेसी है, तुहाडे चेहरे जिहड़े ने अकाली दल नाल संबंधित है, अकाली दल ते कांग्रेसी ने रल के अरदास कीती है, ये भी चंगी गल है, होनी भी चाहीदी है, हुण कल नूं जेकर जिला बंद है ये क्रैडिट कि झोली च पएगा अकाली दल की कांग्रेस है। बेनती है कि अज जी अरदास हुई है ना ये कांग्रेस की हुई ना ये अकाली दल की, ना मैं अकाली दल अपने आप को कहना ना ये कांग्रेस वाले कहते हैं अपने आप को, अज बटाला शहर दियाँ समुचे जो संगत है वो एक संगत के रूप में गुरु नानक साहब जी के चरणों अरदास करन आए हैं, ये जिहड़ा क्रैडिट है गुरु नानक देव जी को जाना ना कि किसी पार्टी को जाना, भावें कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री ने पंजाब के उन्होंने ऐलान करना, मैं समझना कि गुरु नानक साहब की कृपा के नाल ही सारे कार्य होने। मैं तुहानूं ये चाहना कि तुहाडा नज़रिया, अरदास असी कर लई है पर फिर भी तुहाडा नज़रिया की कहिंदा कि ये जिहड़ी जिले की मंग है इहनूं लैके गल कीती जावे और जे मंग मन्नण दी गल कीती जावे तो अमली जामा पहनाने की गल कीती जावे, इह च काफ़ी फर्क है, तुहाडा तजर्बा की कहिंदा, तुहाडी सोच की कहिंदी? वेखो जिहड़ा जामा अमली जामा देना है ये पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे कोल है, उन्होंने सोचना विचारना अही ते अपनी मंग रखनी है ते ओ उन्हां को मंग रख के गुरु साहब के चरणों च अरदास कीती है, उन्हां दी कृपा नाल यह कार्य संपूर्ण होवेगा। जी बिल्कुल, सो पटिया साहब होना वालों दूरन देसी सोच दे सदका उन्होंने लगता है बड़े थोड़े जिहे नपे तोले लफ्जां च बड़ी साफ कहानी कह दिती है ते गेंद सारी दी सारी जिहड़ी है ना कांग्रेस पार्टी दी पासे दे पाले दे विच सुट दिती है। नहीं, बेनती है कि किसे दे पाले च नहीं सुटी, अही बटाला शहर जिहड़ा श्री गुरु नानक देव जी की चरण छोह प्राप्त धरती है, ये मैं तुहानू पहला भी बेनती की है कि मैं इस घर का कूकर हाँ, नौकर हाँ, सेवादार हाँ, ये समुची संगत बाबे नानक की संगत है, उन्होंने घर की सेवादार ने, इतों हर प्राणी नू हर संगत को जिहड़ियां खुशियां मिलदियां, इस घर के कोई पार्टी नहीं किसे पार्टी नू कोई क्रैडिट नहीं जाना, ये क्रैडिट सिर्फ गुरद्वारा श्री कंध साहिब श्री गुरु नानक देव जी श्री धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज नू ही जाना ते उन्हां दी संगत नूं जाना किसे पार्टी नूं, मैं तुहानूं ये बेनती करना कि जदों संगत गुरद्वारा साहिब विखे आ जांदी है उदों किसे पार्टी दा जिक्र गुरद्वारा साहिब ना करिया करो, इस नूं सिर्फ ते सिर्फ संगत दा रूप दिया करो। मैं बिल्कुल तुहाडी गल नाल सहमत हां, पर तुहाडा ये गल जरूर कहांगा, मैं भी कुछ राजनीतिक पार्टियां कोलों ही देख के शायद मैनूं लगा मैं तां कि उन्हां दी गल ही दोहराई है, चलो बहुत चंगी गल है। सो इन्हां वल्लों इस वेले आई हुई संगत गुरु रूप साध संगत जिहड़ी है, सो वो सारी संगत दा रूप इन्हां ने समझ के उस अरदास च नाल शामिल भी होया और जिले की मंग भी की है, बहुत जल्द ये मंग पूरी होंगी कि नहीं? हाँ माणा जी, बड़ी वड्डी गल हुंदी है जी अरदास करना,
राजनीति दे विच अरदास आनी चाहीदी सी? देखो जदों बंदे नूं किसी चीज़ की मेहनत करके फल नहीं मिलता उदों फिर बंदा अरदास वल जांदा है। मैं तुहानूं दसदा कि मैं 95 तो उदों प्रधान सी बार दा जदों ये मैं मोर्चे की अलख जगाई सी 95 तो लैके असी 5 महीने लगातार 95 अक्तूबर तो लैके जनवरी 96 तक असी बटाला बंद कराया, असी मरण वरत रखे, मैं कहा जी बहुत कुछ कीता, बहुत कुछ कीता, लेकिन सानू इहदा फल नहीं मिलिया। मैं हुण दी हुण मौजूदा हालातां दी गल करिए, बेशक उदों भावें फल नहीं मिलिया, चलो उदों तुसीं बूटा ला दित्ता, वड्डा हो गया, वेखो फल ते हुण लग ही गया, कुछ ना कुछ ते हो गया। मैं तुहानूं इह जे अज दी गल करां, अरदास गुरु दे चरणां च होई है, की राजनीति च गुरु साहिब आणे जरूरी सी? नहीं, मैं ये नहीं तुहानूं कह रहा, लेकिन जदों बंदा ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਅਰਦਾਸ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਦਵਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਬਾਕੀ ਮੁੱਦੇ ਸਭ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਵੜਨਾ ਜਾਂ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? मैं समझा जी कोई भी जड़ा काम है गुरु साहब की कृपा तो बगैर पूरा नहीं होता। गुरु साहब का आशीर्वाद नाल होवे ते बड़े तो बड़े औखी घड़ी जी भी निकल जाती है। और जे साडे शहर वासियों की ये मंग सी ते जे असी गुरु साहब का वोट आसरा च लैके ते सरकार नूं बेनती कीती है ते मैं समझदा कि ये जरूर साड़ी पूरी होएगी। बिरथा ना जाए जन की अरदास, जिस दिन जिले का ऐलान हो जाता है, जिले की गलबात हो जाती है, उस दिन यकीन मनो मेरे ख्याल है कि जिन्हें भी अज अरदास करने वास्ते आए हैं ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ, ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਉਸ ਦਿਨ? ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨਾ। ਦੇਖੋ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਰੱਖਦਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗੀ ਜੀ ਨੇ, ਸੋਲ ਜੀ ਨੇ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਆਹ ਕੁੰਨਾ ਨਾਲ ਕਾਂਸਰਾ ਜੀ ਨੇ, ਬੱਬੂ ਵਿਗ ਸਨ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਮਨੂ ਖੋਸਰਾ ਜੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਜੱਜੋਤ ਦਿਲ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਕਨਸੋਵਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਔਰ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਕਾਂਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਣ ਸਕਦਾ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ? ਮੈਂ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਾਸਟ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ 'ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਿਛਲੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਅਰਦਾਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 4 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ? ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਦਾ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ? ਸਭ ਦਾ ਰੋਲ ਆ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਜੇ ਸ਼੍ਰੇਅ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਬੜੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਸੰਕਟ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵੇ ਨੂੰ। ਜੇ ਐਲਾਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਬੇੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਏ, ਤੂੰ 5 ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖ ਲਏ, ਪੁਤਲੇ ਵੀ ਸਾੜ ਕੇ ਵੇਖ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਸੋਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੰਸੋਆਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਇਹ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗੀ? ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਇਹਦਾ ਫਲ ਦਿਖਣਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ, ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ
जी शुभ संकेत है कोई शुभ आवाज़ है जी पता लगी जो गुरु साहब ने बटाले बनता हक देना तो उदों अपने अपने आप ही पंजाब सरकार बल बख्श देना उन्होंने तो मैं समझता कि जल्दी सू बड़ी उम्मीद वा कि अच्छे गुरु साहब के चरणों से दिलों अरदास करना आए हैं कि जो अंग्रेजों के बेच गलती हुई वो सुधारण का समा मैं तो यही अरदास करा कि 13 तरीक न हो जाए जी 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 बिल्कुल सो सारी जिन्हें भी अज संगत अरदास वास्ते आई से फिर अही गल कह दीए कि अज है भावें वक् वक् समाजिक संगठन ने राजनीतिक संगठन ने भावें कोई किसी राजनीतिक जथेबंदी संबंध रखता है पर हर कोई संगत रूपी आया है और संगत रूपी आ के बाबा जी के विवाह पुरब से वेखो कि शानदार ये अस्थान है कि सोहना सजा हुआ है विवाह पुरब दियाँ बहुत ही खूबसूरत तैयारियां चल रही खुशगवार माहौल है खुशनुमा माहौल है शानदार और जानदार माहौल है इस माहौल के अरदास की गई है गुरचरणों के गुरु महाराज प्रसन्न होंगे और इन्हों संगत दरदसों कबूल करते हुए खाली झोली इन्हों वापस नहीं भेजेंगे बहुत ही जल्द लगता है कि बटाला जिले बनाने की जी कवायद है वह पूरी हो जाएगी बहुत ही जल्दी अरदास पूर्ण हो जा रही है और उस दिन जिस दिन अरदास पूरी होएगी सो अरदास पूर्ण होने जी हरिंदर जी की होएगा जिस दिन अरदास पूरी हो गई अरदास सफल हो गई उस दिन की कार्रवाई की होएगी ऐसे स्थान पर कुछ होएगा कि होर कि असी इस स्थान पर आके महाराज का शुक्र अदा करके जावे असं फिर शुकराने की अरदास करा गुरुद्वारा कंध साहब आके संगत वालों इस तरह अरदास होएगी बहुत बहुत शुक्रिया सर सो इस स्थान के उत्ते अरदास पूरी होने के बाद संपूर्ण होने के बाद मंग पूरी होने के बाद गुरु महाराज दी खुशियां दी अपार बख्शे जो बटाले तो होएगी उस तो बाद इस ही स्थान के उत्ते फिर कड़ा प्रशादी देग होएगी और इसे ही आके शुकराना जिहड़ा गुरु नानक पातशाह जी का किया जाएगा दुनिया याद रखेगी कि गुरु नानक देव जी के विआह पुरब के उपर जिहड़ी सरकार है उन्हें एक खास तोहफा बटाला वासियों को दिता गुरु नानक देव जी के दर घर तो खुशियां जिहड़ियां वो प्राप्त कीतियां हुण देखना होएगा ये जो अरदास की है कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार के कन्नां तक तां दी आवाज़ चली भी जाएगी और वो देख भी लैणगे पर हुण उन्हां नूं ये गल समझनी जरूरी होएगी कि अरदास की लाज किदां रखनी है किवें रखनी है और कदों अरदास जिहड़ी है वो पूरी हुंदी है आने वाले दिनों पता चलेगा देखते रहो हक्सस की आवाज़ दा टीवी NRR